देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ नाम की एक योजना युवाओं के लिए लेकर के आई है। मैं बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो है, पूरे देश में असफल होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि कभी कभी GST का मसला उठा करके व्यापारियों को जो है उनको परेशान किया जाता है। फिर जो है बेरोजगारी के नाम पर 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन के दौरान दो करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात किए थे, आज 2 लाख भी लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए। ऊपर से अग्निपथ नाम की योजना जो कि आर्मी जो कि भारतीय सेना के लिए उन्होंने लेकर के आया है, सिर्फ 4 साल का वक्फा क्या उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है? मैं पूछना चाहूँगा मोदी सरकार से कि मोदी सरकार आपको देश के लिए बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, और आप जो है कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ हर बात पे उनको नाराज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख साहब ने पूरे राज्य में ये आदेश दिया था कि इस योजना का निषेध करें, उसी आदेश अनुसार आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला की तरफ से ये निषेध किया जा रहा है। और मैं मोदी सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि देश का युवा इतना लाचार नहीं है। अगर देश का युवा आपको उस कुर्सी तक बैठाना जानता है, तो देश का युवा आपको वहाँ से भी हटाने की ताकत रखता है। क्योंकि ये देश का युवा कहीं ना कहीं किसान का भी बेटा है, गरीब का भी बेटा है। आज 4 साल 2 साल 3 साल लोग मेहनत करते हैं भारतीय सेना में जाने के लिए, कहीं ना कहीं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं रहता है, उनका मकसद रहता है देश के लिए अपना जान देना, देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना, इस भारतीय सेना के मकसद रहता है। लेकिन आपने उसको सिर्फ 4 साल के लिए उनको नौकरी देने का जो वादा किया है, जो बातें बताई है योजना के तहत, मैं बोलना चाहूँगा ये बेबुनियाद है, पूरी तरीके से फेल योजना है। मोदी सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार इस योजना को पीछे ले। ये राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर की मांगनी है, और मोदी सरकार को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आज आपने जो GST जैसी, फिर नोटबंदी जैसी, फिर ऐसा जो भी योजना लेकर के आए, कहीं ना कहीं वो असफल रहा है, जनता के हित में नहीं है। तो मोदी सरकार से मेरी ये निवेदन है कि जनता के हित की योजना लेकर के आए जिससे जनता फ़ायदा उठा सके। और भारतीय सेना में जो जवान जाने वाले लोग, जो युवक ने बहुत ही मेहनत के साथ कहीं ना कहीं जो है ये अपने आप पर जो है ये किया था, गर्व किया था कि हम जाकर के भारतीय सेना में भारत के लिए, भारत देश के लिए वहाँ पे अपनी जान मान से अपना देश की रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं उनके इस बात को भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो भारतीय सेना के मैं सभी उन जो है जो अपने अपना हौसला अफजाई ना खोवे, और इस बात से उम्मीद रखे कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मैं सभी युवकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरीके का कुछ ऐसा मतलब जो है वातावरण न फैलाए जिससे शहर, राज्य और देश की हालत में कहीं ना कहीं खराबी आए। ये देश की संपत्ति हमारे और आपके टैक्सों से बनी बनाई गई संपत्ति है, इसलिए हमको सत्य और सीधे राह पर चल करके कहीं ना कहीं हमको अपना ये निषेध व्यक्त करना है। हमेशा से कोई ना कोई खल फसाद पैदा करती है। अभी हम देख रहे हैं कि युवकों के साथ मजाक बनाया जा रहा है, एक तरह का अग्निपथ योजना, इसको तो मैं गाजर ही कहूँगी। जैसे हर तरह से युवकों को, जो इंजीनियर डॉक्टर आज जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको आज मोदी सरकार अग्निपथ में आओ हम तुमको रोज़गार देंगे, यानी वो इंसान को जो सैन्य में जो लोग जाते हैं, जो भर्ती होते हैं, तो उनका एक एम होता है कि हमको दुश्मनों से लड़ना है, हमको देश की रक्षा करनी है, ये उनके सामने एम होता है। और जो अग्निपथ में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उनके नज़र में एम होगा। आज अगर बेरोज़गारों को अग्निपथ के तहत अगर रोज़गार देना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही योजना यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं इस मोदी सरकार की इस योजना का निषेध करती हूँ, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होते हुए ये योजना हम भारत देश में लागू नहीं करने देंगे। हमारे जितने भी जवान हैं, आज हम उनके साथ हैं। जिस तरह से मोदी सरकार कह रही है कि 4 साल नौकरी करने के बाद वो उनको देखेगी कि मिलिट्री में लेना है या नहीं लेना है, शुरू में बोल रहे कि 4 साल आप जॉब करो, मगर मोदी सरकार को शायद ये नहीं मालूम है कि इन्हीं सैनिकों के वजह से यही सब दिखा के आपने वोट लिए थे, और आज उन्हीं के पेट पे आप लात लग रहे हैं और देश के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सी लड़ाई तभी हमारे वीर जवानों ने लड़ी है, चाहे पाकिस्तान का वॉर हो या चाइना का हो, ये हमारे भारतीय जवानों ने लड़ा है। अब कौन सा बड़ा वॉर होने वाला है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है सैनिक लेने की ज़रूरत पड़ी है। इसलिए मैं मोदी सरकार का जाहिर निषेध करती हूँ, और अग्निपथ योजना मोदी सरकार ये भारत में लागू नहीं होनी चाहिए।
आर्मी सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना।